ऊपर की तरफ से कुछ इस प्रकार की डिजाइन बनानी है और उसे कटर की सहायता से काटना है। पिकअप में लगाकर पेन की सहायता से यह काटें। उसके बाद कुछ इस प्रकार की डिजाइन बनाई और इसके बाद कुछ ऐसा का ऐसा ही दूसरी तरफ के लिए भी हमको बनाना है और दोनों बनने के बाद उनको पिकअप के अंदर लगा कर देखना है। और हमारे पास यह अडेप्टर है, हम इसका यूज़ करेंगे इस डीजे के अंदर। अब हम पिकअप के डाले के अंदर कुछ इस प्रकार का कार्डबोर्ड लगाते हैं और अडेप्टर को रखते हैं। उसके बाद जो हमने डिज़ाइन काटी थी उसके अंदर अडेप्टर की साइज़ की काटना है। उसके बाद हमको सही ढंग से लगाकर पिकअप के अंदर लगाकर देखना है कुछ इस प्रकार। इसके अलावा जो दूसरी डिजाइन है उस पर गेट काटना है कुछ इस प्रकार, काटकर उसे भी दूसरी साइड लगाकर देखना है। इस साइज का काटकर उसे आगे लगाकर देखना है और उसे फिर गूंद की सहायता से चिपका देना है। उसके बाद हमको एक साइड की डिजाइन को भी गूंद की सहायता से चिपका देना है। ध्यान रखें कि डिजाइन बिल्कुल लेवल में हो ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद हमको दूसरी डिजाइन को भी लगाकर देखना है और उससे पहले हम बनाएंगे उस डीजे का विंडो। इसके लिए हमको विंडो के आगे एक कार्डबोर्ड चिपकाना होगा कुछ इस प्रकार का और फिर विंडो को आगे करके देखना है। और इसके बाद हमको ऊपर की तरफ के लिए भी एक कार्डबोर्ड काटना है ताकि विंडो खुलने और जुड़ने में आसानी हो। और उस कार्डबोर्ड को काटने के बाद कुछ इस प्रकार से चिपकाना है और फिर से हमको विंडो को आगे पीछे करना है। और इसके बाद हमको फिर से एक कार्डबोर्ड काटकर उसके ऊपर की तरफ लगाना है कुछ गूंद लगाने के बाद कुछ उसी प्रकार का सेम साइज का कार्डबोर्ड के ऊपर उसको चिपकाना है। और चिपकाने के बाद अच्छी तरह से उसको सही लेवल में लगे और उसके बाद हमको उस विंडो के ऊपर लगाना है और फिर से हमको आगे पीछे करके देखना है। और इस कुछ इस प्रकार से हमारा विंडो तैयार हो जाता है। इसके लिए हमको पहले पीछे की तरफ भी कार्डबोर्ड लगाना है। ध्यान रखें कि विंडो को बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से बार बार खोले और जुड़े ताकि वो गूंद से चिपके ना। और उसके बाद हमको दूसरी डिजाइन को भी चिपका देना है। और अब हम बनाएंगे आगे का मंदिर कुछ इस प्रकार का काटकर उसको आगे की तरफ लगाकर देखना है। बिल्कुल सही साइज होने के बाद हमको एक नीचे छोटा कार्डबोर्ड लगाकर उसको आगे की तरफ चिपका देना है। और उसके बाद हमको जब तक आगे का कार्डबोर्ड सूखता है जब तक हमको पीछे का एक कार्डबोर्ड काटना है। उसके लिए पीछे की साइज नापकर कुछ इस प्रकार का कार्डबोर्ड काटना है। कार्डबोर्ड की कटाई होने के बाद हमको उस कार्डबोर्ड को पीछे की तरफ लगाकर देखना है। वह सही तरह से लगने के बाद हमको फिर से एक कार्डबोर्ड की सहायता से हमको ऊपर की छत बनानी है। ध्यान रखें कि ऊपर की छत की माप बिल्कुल सही हो ताकि आगे लेवल में कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए हमको स्केल से बिल्कुल सही साइज नाप कर हमें काटना है और कटिंग होने के बाद कुछ इस प्रकार से काटना है। और काटने के बाद हमको ऊपर की तरफ लगा के देखना है। ऊपर की तरफ लगा के देखने के बाद हमको तीन जगह से कुछ इस प्रकार से काटना है। ये हम इसलिए काट रहे हैं ताकि कार्डबोर्ड को मुड़ने में आसानी हो। काटने के साथ साथ हमको यह भी ध्यान रखना है कि ऊपर से साइज लेकर ही काटे ताकि मुड़ने में और उसे मोड़ने में कोई दिक्कत ना आए। और कुछ इस प्रकार से काटना है और उसके बाद हमको नीचे की तरफ से फिर से काटना है। और यह भी ध्यान रखें कि काटना सिर्फ 1 सेंटीमीटर के बीच में ही है। और कुछ इस प्रकार का कटने के बाद हमको उसको फिर से ऊपर की तरफ लगाकर देखना है। और लगाने पर यदि बिल्कुल सही आए तो उसको फिर हम सही से मोड़ेंगे और उससे पहले हमको अंदर की फिटिंग
करनी है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अंदर की पूरी फिटिंग होने के बाद भी ऊपर का कार्डबोर्ड लगाए, क्योंकि अंदर जुड़ने के बाद भी कोई जगह नहीं रहती है, इसके कारण फिटिंग होने में बहुत दिक्कत आएगी। और इससे पहले हमको आगे का एक फिर से विंडो काटनी है। विंडो काटते समय हमें ध्यान रखना है कि कार्डबोर्ड उतर ना जाए और उसको बिल्कुल बारीकी से काटना है ताकि कार्डबोर्ड ऊपर से फटे नहीं। विंडो काटने के बाद हमको आगे के मंदिर की साइज लेनी है और इसका भी ध्यान रखें कि बाइक साइज का बिल्कुल लेवल में हो। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि साइज बिल्कुल थोड़ी भी ऊँचा होने पर आगे बहुत दिक्कत आती है, इसके लिए हमको साइज को बिल्कुल बरकरार रखना है और कुछ इस प्रकार का से कार्डबोर्ड लगाकर उसे गूंद से चिपका देना है और नीचे के कार्डबोर्ड पर भी एक छोटी कार्डबोर्ड की पत्ती चिपका देनी है और उसके बाद भी ऊपर के कार्डबोर्ड में फिर से एक विंडो काटनी है। विंडो काटने के बाद उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड लगाना है। विंडो के ऊपर कार्डबोर्ड चिपकाने के बाद हमको ऊपर के कार्डबोर्ड को दोनों कोनों को गोल करना है और उसके ऊपर भी एक कार्डबोर्ड की सहायता से चारों तरफ कार्डबोर्ड लपेटना है। चिपकाने के बाद कार्डबोर्ड को उसके मंदिर के ऊपर भी लगा देना है। अब एक बड़े स्पीकर को बॉक्स के अंदर से निकाल कर डीजे में फिट करते हैं। स्पीकर को कुछ इस प्रकार फिट करके ऊपर का कार्डबोर्ड भी लगा देना है और फिर कुछ इस प्रकार का बनता है। इसके बाद हम बनाएंगे ऊपर की डिज़ाइन, उसके लिए भी हमको कार्डबोर्ड में मैं जिस प्रकार से डिज़ाइन बनाता हूँ उसी प्रकार से डिज़ाइन बनानी है। और कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन बनने के बाद हमको डिज़ाइन के दोनों तरफ बीच में एक लाइन खींचनी है ताकि लगाने में परेशानी ना हो और उसके बाद भी एक कार्डबोर्ड लगाना है 1 सेंटीमीटर का काट कर। कार्डबोर्ड कुछ इस प्रकार लगाने के बाद हमको इस डिज़ाइन को ऊपर की तरफ चिपका देना है और ये डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखती है। अब और इसके बाद 1.5 सेंटीमीटर के कुछ इस प्रकार के पट्टे काटने हैं और उन पट्टों को काटने के बाद डीजे के ऊपर लगाना है और इससे पहले हमको नीचे की डिज़ाइन बनानी है। नीचे की डिज़ाइन के लिए एक कार्डबोर्ड लेना है और उस पर कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन बनानी है और वो डिज़ाइन बनने के बाद उसको काट कर इस प्रकार बनाना है। कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन बनती है और इसी प्रकार से 3 डिज़ाइन बनानी है और उस डिज़ाइन को नीचे की तरफ चिपका देना है। और अब हम बनाएंगे पीछे की डिज़ाइन। पीछे की डिज़ाइन के लिए जो हमने पहले काटे थे उसी प्रकार से कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन काटनी है। डिज़ाइन काटने के बाद हमको पीछे की तरफ से चिपका देना है।
और ऐसा हमको दोनों साइड करना है। और इसके बाद हमको नीचे की तरफ भी जो हमने डिज़ाइन काटी थी उसी तरफ से डिज़ाइन काट कर चिपकाना है, और ऊपर की तरफ जो हमने सीधे पट्टे काटे थे उसी को चिपकाना है। चारों तरफ के पट्टे लगने के बाद हमको बीच में भी एक पट्टा लगाना है ताकि थोड़ा बढ़िया लगे और टेप भी ऊपर नीचे ना हो। अब चारों तरफ के पट्टे लगने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखता है, और हमको ऐसे ही कुछ इस प्रकार दूसरी साइड भी लगाना है। दूसरी साइड सिर्फ ध्यान ये रखना है कि गेट की डिज़ाइन भी हमको जिस प्रकार गेट बनाए उसी प्रकार काटना। अब दोनों तरफ चारों तरफ के पट्टे लगने के बाद हमको पीछे से दो छेद करने हैं ताकि स्पीकर की आवाज़ बाहर तक आ सके। और छेद करने के बाद हम बनाएंगे ऊपर का मंदिर। ऊपर के मंदिर बनाने के लिए हमको कुछ चार कार्डबोर्ड काटने हैं कुछ इस प्रकार के, और उस पर इस प्रकार से डिज़ाइन काटनी है। डिज़ाइन काटने के बाद हमको एक बड़े कार्डबोर्ड के ऊपर चारों को चिपका देना है। चिपकाने के बाद हमको बीच में एक छोटा कार्डबोर्ड लगाना है। कार्डबोर्ड लगाने के बाद हमको एक कुछ इस प्रकार का कार्डबोर्ड बनाना है और उसको पीछे की तरफ चिपका देना है। चिपकाने के बाद हमको पतली साइज का कार्डबोर्ड लेकर जो दोनों छेदों में भी चिपका देना है। कुछ इस प्रकार का बनने के बाद हम उसको ऊपर की तरफ लगा देंगे। ऊपर की तरफ लगाने के बाद कुछ इस प्रकार का बनता है। अब हमको फिर से एक कार्डबोर्ड लेना है और उसको पीछे की डिज़ाइन की जैसा बनाना है। कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन बनाने के बाद हमको उसको पीछे की तरफ से चिपका देना है। इसके बाद हमको फिर से जो हमने पहले डिज़ाइन बनाई थी कुछ इस प्रकार की चार डिज़ाइन बनानी है और दो कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका देना है। उससे पहले हमको चेक करना है कि सही कटी है या नहीं, फिर हमको कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका देना है। चिपकाने के बाद कुछ इस प्रकार का बनता है। तारों को चिपकाने के बाद हमको फिर से एक पतला कार्डबोर्ड लेना है और दोनों के ऊपर चिपका देना है। चिपकाने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखता है, दोनों पर चिपका देता है। दोनों को चिपकाने के बाद हमको दोनों डिजाइनों को डीजे के पीछे की तरफ लगा देनी है। सभी डिजाइन चिपकाने के बाद हमारा डीजे तैयार हो जाता है और वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। चाहे तो हम इसके अंदर लाइटिंग भी कर सकते हैं और भी लाइट लगा सकते हैं ताकि वो और भी बढ़िया दिखे। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और यदि किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ बनानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले।